Hi everyone, welcome to Next Level Studies. So in today's video, we will discuss how DUJAT 2020 exam went. We will discuss section by section of what could have been the ideal attempt and what could be the expected cutoff. Okay, so we will start section by section analysis, and plus before that we would start the discuss the exam pattern. So discussing the exam pattern, as usual 100 questions were there, but the major change which was not expected was that the number of questions in each section were changed. In QA section itself, more than one third of the paper was from QA section. 37 questions were there from the QA section. From LR section, 33 questions were there, which were last year 25. From English, the questions were reduced to 19 questions. And in GK section, the questions were only 11 out of 100. Okay, marking scheme remained the same, plus 4 and minus 1. An entrance test carried the weightage of 65% and 12 marks 35%. So the major change was the change in the exam in the question division pattern. Okay, so let us analyze section by section. So first of all, we will start with QA. Okay, so let's move to QA section. So guys, baat kar lete QA section ki. QA section mein 37 questions aaye the aur previous year questions kuch repeat hue the. Kaun se hue the? Ek to mixture and allegation ka ek question aapne agar previous year question series meri follow kari ho channel pe, so wahan se bilkul uth ke aaya tha aapka. Theek hai, 20, I don't remember the year, kaun se year ka tha, lekin as it is ditto same value same figure repeat hui thi aapka. Question mein aapko teen quantities de rakhi thi, unka ratio de rakha tha aur last mein de rakha tha unko mix karke 153 rupees ka wo mixture banta hai. So, आपको दो वैल्यूज दे रखी थी, 1:1 वाली और 2 वाली शायद आपको निकालनी थी. सो ये रिपीट हुआ था. उसके अलावा कैलकुलस में आपका एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2 की पावर x + 2 की पावर y का डेरिवेटिव है निकालना था आपको, और उसमें दे रखा था कि x = y = 1 आपको पुट करना है लास्ट में. सो वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था. उसके अलावा आपके ग्राफ के 3 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है, वो आपका पैटर्न लास्ट ईयर पे रिपीट हुआ था. ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 या 2019 में ऐसे क्वेश्चन आए थे बिल्कुल, जिसमें मतलब आपको ग्राफ दे रखा है, उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी. सो आपसे पूछा गया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है, कहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है, कहाँ पर एफ ऑफ बी एफ डैश बी लेस देन जीरो है, एफ डैश या फिर एफ डबल डैश बी ग्रेटर देन जीरो. सो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी. सो अगर आपने प्रीवियस ईयर फॉलो करी होगी तो मैंने ये अच्छे से चीज़ें बताई थी आपको, ठीक है. सो ये तो आपका हो गया जो चीज़ें रिपीट हुई थी. सो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर के बता दिए, बचे हुए जो 6 में से कैलकुलस के क्वेश्चन थे वो न्यू थे और कैलकुलस थोड़ा ठीक अच्छे लेवल का है. अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में. प्रोबेबिलिटी में जो 3 क्वेश्चन आए थे वो इजी नहीं आए थे, ठीक है. प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छे लेवल की आई थी, सो जिन स्टूडेंट्स ने भी अटेम्प्ट करी होगी सो उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे रहे होंगे. बाइनोमियल पे आते हैं. बाइनोमियल का 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है. रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन का 1 आया था और फंक्शंस के 5 क्वेश्चन आए थे. रिलेशन का 1 क्वेश्चन काफ़ी ईजी आया था, जिसमें आपको एज डिफरेंस दे रखा था कि 2 लोग के बीच में, वो एक सिटी में रहते हैं तो हमें बताना था उनका एज डिफरेंस मैक्सिमम 5 ईयर्स है. सो ऐसे रिलेशन जो है वो इक्वेलेंस होंगे या नहीं होंगे. सो इसका आंसर था कि ट्रांजिटिव नहीं होंगे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होंगे. और फंक्शंस वाला था 1 क्वेश्चन. सो फंक्शंस वाले क्वेश्चन में आपको फंक्शंस वाले जो 3 क्वेश्चन का सेट था उसमें आपको फंक्शंस और ट्रिगो में दे रखा था कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है. सो आपको बताना था कि ए और बी की वैल्यू निकालनी थी. मतलब 3 वेरिएबल दे रखे थे, जैसे पहला -π/2 ऐसा था कि <π/2, फिर -π/2 to π/2 उसके लिए अलग लिमिट डिफाइंड थी. सो ऐसे 3 इंटरवल्स दे रखे थे आपको और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस था. सो आपको बस ये बताना था कि उसकी ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी. सो फंक्शंस आई वुड से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था इस पर्टिकुलर पेपर में, ठीक है. बात कर लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा लेवल आया था. 1 क्वेश्चन आया था जिसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, उसके अल्फा बीटा रूट्स दे रखे थे और एक इक्वेशन बतानी थी जिसका जिसमें अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7, ऐसी इक्वेशन बतानी थी जिसके ये दोनों रूट्स. सो ये क्वेश्चन अच्छा था. बोर्ड स्ट्रीम का बहुत इजी आया था, वेरी इजी. लिमिट्स का थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आया था, ठीक है. सेट्स का हमारा इजी क्वेश्चन आया था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. पाइप से सिस्टम की बात करूं, अगेन वेरी इजी. एसआईसीआई के 2 क्वेश्चन आए थे हमारे.
सो दो क्वेश्चन जो आए थे हमारे, उसमें पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल था, सो उसकी यूज मदद से आप बिल्कुल उसको कर सकते थे। हार्डली 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें SICM में आप मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज कर सकते थे, यानी आपको दो इंटरेस्ट रेट दे रखे थे कि यहाँ पे एक जगह वो 16 अर्न कर रहा है, एक जगह शायद 20 अर्न कर रहा है, सो उसका एवरेज दे रखा था कि एवरेज 17 अर्न कर रहा है, तो शुद्ध रेशो बताना था हमें, या फिर एक फिगर दे रखी थी कि एक अमाउंट प्रिंसिपल ये, तो दूसरा का अमाउंट बताना था, सो वो मिक्सचर एलिगेशन से ईजिली हो जाता है। मिक्सचर तो मतलब SICM में आपको एलिगेशन यूज करना था, इसका मैंने बता दिया आपको। परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि एपीजीपी का भी एक क्वेश्चन आया था, कि उसमें आया था 6^2 × 6^2 × 6^3 / 3 ऐसे आपको अप टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन आया था आपका। लोगैरिथम का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, उसको भी मैं मीडियम या फिर डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल सकता हूँ। मैट्रिसेस के दोनों क्वेश्चन जो आए थे वो मैं कहूँगा कि डिफिकल्ट लेवल के ही कहूँगा, मैट्रिसेस के अच्छे क्वेश्चन आए थे। पीएनसी का एक क्वेश्चन तो बहुत ईजी आया था, मैंने अभी जो इससे कुछ देर पहले वीडियो डाली है कि क्वेश्चंस वाली, तो उसमें क्वेश्चन बताया था भी था कि 8 डिस्टिंक्ट चीज़ों में से आपको 5 या फिर 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी थी, और उसके अलावा एक क्वेश्चन और था, मतलब पीएनसी मैनेजेबल था। ठीक है, ज्योमेट्री का बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको ऐसे क्वाड्रिलेटर बना के रखा हुआ था, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल थी, और आपसे कुछ एंगल्स पूछे हुए थे अल्फा बीटा में, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था, हार्डली 30 सेकंड्स का क्वेश्चन। एरिया अंडर कर्व, ये भी थोड़ा सा लास्ट ईयर का पैटर्न सिमिलर ऐसा सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन आपको था कि y² = 4x और x² = 4y, ये दोनों कर्व जो होते हैं इनका एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, सो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको पता है एक का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, एक का ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको एक मिनट दोबारा बना देता हूँ, गलत बन गया थोड़ा, एक का ग्राफ ऐसे बनेगा आपका और एक का ग्राफ ऐसे बनेगा, सो आपको ये वाला एरिया बताना था, बहुत इजी था ये वाला। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आया था, बहुत इजी आया था, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस थे आपके क्यूए सेक्शन के। सो आई वुड से इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका आइडियल अटेम्प्ट जो रहना चाहिए था वो आउट ऑफ 37 क्वेश्चंस, आई वुड से 26 to 27 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन में बिल्कुल करने चाहिए थे, और जो बनता था अटेम्प्ट जेन्युइन। सो ये क्यूए सेक्शन का था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो गाइस बात कर लेते हैं एलआर सेक्शन की। एलआर सेक्शन में आपके 33 क्वेश्चंस आए थे। सो 33 क्वेश्चंस में से मिसिंग नंबर इन सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के, यानी कि आपको दे रखा होता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो कभी कुछ जगह इनको आपको रिप्लेस करना था, मतलब आपको साइन इंटरचेंज करके इक्वेशन को करेक्ट करना था, या फिर कुछ जगह इनकी प्लेसमेंट सही से करनी थी। सो उसके 2 क्वेश्चन थे, और ये वेरी इजी कैटेगरी में डालूंगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इन क्वेश्चन को करने में, लेकिन क्वेश्चन डुएबल थे। मिसिंग सिंबल था, बहुत इजी क्वेश्चन था। कोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, एक तो सिंपल कोडिंग का था और एक फ्रेज कोडिंग थी आपकी, मतलब आपको जैसे कुछ भी कोडेड लैंग्वेज दे दी तो उसका आपको देखना था कि कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो कोडेड फ्रेज कोडिंग थी और एक सिंपल कोडिंग थी। उसके अलावा विजुअल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन थे। सिलॉजिज्म का 1 क्वेश्चन था, ईजी। ऑड वन आउट के 3 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, उसमें 1-2 तो ईजी थे, शायद एक आपका शायद डिफिकल्ट था उसमें, जो स्टूडेंट ने फीडबैक दिया था मुझे, ठीक है, 1-2 शायद ईजी थे, बाकी एक शायद डिफिकल्ट था इसमें। पजल ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर था तो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना था। स्टेटमेंट बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब आपको स्टेटमेंट दे रखे थे, उसमें आपको कंक्लूजन बताना था, या फिर आपको कुछ शायद एक पेंडेमिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था कि पेंडेमिक कौन, एक सिचुएशन दे रखी थी कि ये डेफिनेशन होती है पेंडेमिक की, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 सिचुएशन दे रखी थी, तो आपसे पूछा था कि इन 4 सिचुएशन में से पेंडेमिक कौन सा हो, ठीक है। फिर पजल आया था डिजिट्स का, 1 क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन था, मतलब उसमें आपको दे रखा था कि ऐसे 2 मतलब 4 नंबर हैं आपके, ये जैसे मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, हर बॉक्स में जैसे ये वाला बॉक्स है, सो ये वाला बॉक्स सिंगल डिजिट है, ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर है, सो आपको मैक्सिमम सम बनाना था। सो यहाँ पे सो आपको देखना था कि मैक्सिमम बनेगा जब मैं हर बॉक्स में 9 रखूंगा, सो उनको करके आपको ऐड करना था। एनालॉजीज के 2 क्वेश्चन आए थे आपके। फिर पजल सर्कुलर अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे, ये ईजी था आपका, इसमें कुछ इतना इशू नहीं था, 3 क्वेश्चन आराम से हो गए थे। फिर लीनियर अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे आपके, इसमें वेरिएबल 3 थे आपके,
मतलब इसमें 5 VIP थे, उनके उनका शर्ट या फिर कुर्ते का कलर था, ठीक है, और एक और वेरिएबल था। तो 3 वेरिएबल थे और इनको अरेंज करना था आपको। ये सारी चीजें थी, मतलब 3 वेरिएबल थे, एक तीसरा वेरिएबल ऑल था, फिर इनको अरेंज करके आपके 5 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन में आपको एडिशनल कंडीशन भी दे रखी थी, सो उसको लगा के आपको सॉल्व करना था। क्लॉक्स एंड कैलेंडर से एक एक क्वेश्चन आया था, टोटल 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कैलेंडर का क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या आया था, क्लॉक्स का भी मैंने आपको बता दिया था, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये LR का सेक्शन आया था, 33 में से आई वुड से कि 27 to 28 क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट करना बनता था, ठीक है, 27 to 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सो गाइस जीके की बात कर लेते हैं। जीके के क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जीके के आपके सिर्फ 11 क्वेश्चंस आए थे, एंड आई वुड से इसमें मैं आपको आइडियल अटेम्प्ट पहले बता रहा हूँ, आई वुड से इस वाले सेक्शन में 7 to 8 आपके डायरेक्ट अटेम्प्ट होना ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस काफी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लाइक करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पूछ लिया, इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछ लिया, सारे मतलब बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपने कोई भी जीके की करंट अफेयर्स की कोई भी PDF या फिर स्टैटिक की कोई भी PDF पढ़ी होगी, सो ये सारी चीज़ें आपने देखी ही होंगी, ठीक है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सो आई वुड से कि जीके अगर आपने नहीं पढ़ी होंगी तो ये 7-8 मार्क्स आपने डेफिनेटली लूज कर दिए। करंट चीफ इकोनॉमिस्ट और आई ऑफ IMF, सो ये सारे मतलब ऐसी चीजें नहीं थी कि जो ना पता हो, कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड होता है कि ये सारी चीजें उनको पता हो। और 2019 का आया था कि कंपनी अक्वायर्ड बाय वॉल्ट डिज्नी, फिर CMIE का फुल फॉर्म पूछा था, नॉमेनक्लेचर पूछा था, मतलब 4 ऑप्शन थे, आपको उसी करेक्ट फुल फॉर्म बतानी थी। सो आइडल अटेम्प्ट मैंने जीके में आपको बता दिया 11 में से 7 to 8, ठीक है, ये बिल्कुल बनता था 7 to 8 क्वेश्चंस का। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन पे, VA सेक्शन। VA सेक्शन की बात करें गाइस, VA सेक्शन में आपके आए थे 19 क्वेश्चंस। 19 क्वेश्चंस में से एनालॉजीज के 3 क्वेश्चन थे आपके, एंटोनिम्स के मैंने आपको बता दिए थे, एंटोनिम्स आपको नाडिर हो गया और आपका एक्रीमोनियस हो गया, ऐसे वर्ड्स थे आपके, और पेंडिमोनियम हो गया, ये वर्ड्स थे। RC में आपका एक पैसेज था विच वॉज रिलेटेड टू पॉलिटिकल हिस्ट्री, और इसमें वुमेन से रिलेटेड था, इसका लिंक था कुछ। ये इसके आपके 6 क्वेश्चन थे। पैराजम्बल्स आपके 2 क्वेश्चन थे जो कि डुएबल थे बिल्कुल। फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी वोकैबुलरी भी अगेन थोड़ी सी ज्यादा पूछी गई थी, फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े से आई वुड से कि थोड़े से टफ लेवल के थे, ठीक है। एक्टिव पैसिव अगेन ईजी। आउट ऑफ दीज 19 क्वेश्चन आई वुड से 14 to 15 क्वेश्चन वर इजिली डूएबल, ठीक है। 14 to 15 या इसको मान लो कि 13-14 कर लो, अगर वो कैप को थोड़ा कंसिडर कर लो 13-14। सो आई वुड से कि अब मैंने आपको सर हर सेक्शन का एनालिसिस बता दिया, कितने क्वेश्चन आए थे, आइडल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए था। सो बेस्ड ऑन दीज आइडल अटेम्प्ट मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नंबर दे रहा हूँ, विच कुड बी द रेंज, ठीक है। लास्ट ईयर से बात करें, लास्ट ईयर इस ईयर में क्या फर्क है, इस ईयर लोगों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम ज्यादा मिला है, ठीक है, ड्यू टू कोविड सिचुएशन। सो प्रिपरेशन लोगों की अच्छी थी, ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये थी। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी थी तो इसका मतलब कट ऑफ बढ़नी चाहिए, लेकिन आपका पेपर का जो लेवल था लास्ट ईयर से भी अच्छा था, ठीक है, पेपर का लेवल भी अच्छा था, तो ये आपका डिक्रीजिंग फैक्टर रहेगा कट ऑफ के लिए। सो आई वुड से कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर इस ईयर की बात करें, सो आई वुड से द आइडल कट ऑफ या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है आपकी 290 के आसपास, ठीक है, 290 के आसपास आपकी आइडल कट ऑफ रह सकती है इस पर्टिकुलर पेपर में। यानी कि अगर आपने 72 क्वेश्चन आपने अच्छे एक्यूरेसी के साथ करे हैं, तो 72 क्वेश्चन आपने अगर 95% एक्यूरेसी के साथ करे होंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपने 76-77 क्वेश्चन करे होंगे, उसमें एक्यूरेसी आपकी मतलब 90% भी रह गई होगी, तो भी आप कट ऑफ के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। सो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रहेगी 290 के आसपास रहेगी। एंड आपको आइडियल अटेम्प्ट मैंने हर सेक्शन में बता दिए, और गुड अटेम्प्ट भी बता दिए 72-95% एक्यूरेसी के साथ, और 76-77 90% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है गाइस। सो दैट वाज इट माय एनालिसिस, कि आपको पूरा अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या रहा होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड
hit the bell icon also. Thank you guys for watching the video. So stay tuned for more videos.